अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू एन द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग टाइम्स सॉलीजीट के फर्स्ट सॉलीजी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर वन है, डैश बिल्ड अप ऑफ आइसोप्रेनाइड C5H8 यूनिट। सो एक ट्रिपनॉइड्स होते हैं, ट्रिपनॉइड्स एक इंपॉर्टेंट क्लास है लिपिड की, ये होते हैं आइसोप्रेनाइड यूनिट से मेड। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नंबर टू, एम्यूबा बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ की क्लास है सार्कोडाइना। इसमें ही होता है कि सार्कोडाइना में एम्ब्रॉयड स्टेज होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एमसीक्यू नंबर थ्री, द रुचि आर रिलेटेड टू। सो ये स्टमक से रिलेट करती है, स्टमक में स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। एमसीक्यू नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज पेसिडियो सिलोमेट? सो पेसिडियो सिलोमेट एस्ट्रेलमेंथस होते हैं, और एस्ट्रेलमेंथस को राउंड वॉर्म्स कहते हैं, जबकि फ्लैट वॉर्म्स फ्लैटीलमेंथस होते हैं, और ये होते हैं ए सिलोमेट्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। जबकि सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं एनेलीड्स, और एनेलीड्स होते हैं सिलोमेट। नंबर फाइव है, व्हेन प्रोडक्ट इज इन अबंडेंस इट बाइंड विद इट्स एंजाइम एक्टिव साइट, वंस द प्रोडक्ट इज यूज्ड अप इनहिबिशन इज रिड्यूस्ड एंड मोर प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड। सो फीडबैक मैकेनिज्म दिया हुआ है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आपको पता मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर कोई चीज़ बन रही है और देन फिर अपने ही जो कॉज है उसको रिड्यूस कर रही है, उसको इनहिबिट कर रही है, तो वो फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ड्रग बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, ये बाइंड करते हैं एंजाइम के एक्टिव साइट से, प्रोडक्ट यूज होता है, इनहिबिशन जो इनहिबिशन हो रही है वो रिड्यूस हो गया, और फिर क्या होगा कि मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये मतलब है कि प्रोडक्ट अबंडेंस में थे और फिर उसने ज्वाइन किया और देन और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, तो वो फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर सिक्स है, विलस इज रीजनली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड। सो ये होता है विलाय, एक इलियम स्ट्रक्चर में हो, बुक का चैप्टर डाइजेशन उसमें पूरी ये बुक लाइन भी है, विलस इज रीजनली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज एंड वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लेक्टियंस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर सेवन है, द बॉडी ऑफ मॉलिस्का इज कवर्ड बाय अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप कॉल्ड डैश विच क्रिएट कैल्केरियस शेल। मॉलिस के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि एपिथेलियल एनवेलप टाइप स्ट्रक्चर है, मेंटल यही है जो शेल को क्रिएट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर एट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वेस्कुलर सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर नाइन है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन प्रोड्यूसेस। सो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं टी वेव्स को, ये ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को रिकॉर्ड करती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, ये सी है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है किससे, तो ये MCQs में आ सकते हैं। नंबर टेन है, विच वन रिसीव अ बूस्टर शॉट फॉर पोलियो, विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट डायरेक्टली स्टिमुलेटेड? सो यहाँ पे आंसर होगा मेमरी सेल्स। आपको कोई बूस्टर शॉट लेते हैं ना पोलियो के लिए किसी के लिए, तो वो बीटा सेल्स में डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बीटा सेल्स एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स के, जो प्ले करता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, मेमरी बीटा सेल्स, क्योंकि क्या होता है कि जब भी वैक्सीनेशन या कुछ भी है तो बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर वो एक प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब वो क्या होगा कि प्लाज्मा सेल्स और बीटा सेल्स, एक प्लाज्मा सेल्स तो टाइप है बीटा सेल्स की, तो वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज, और उससे फिर क्या होता है कि ये जो सब सेट है बीटा सेल्स के वो आगे आगे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेमोरी बी सेल्स में, और फिर ये स्टिमुलेट करता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। एमसीक्यू नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ वर्टीब्रेट्स कॉर्डेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एमनियोट? सो हायर वर्टीब्रेट्स जो होता है ना उनके एग में एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं एमनियोन। वो होते हैं रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, जिसको हम कहते हैं एमनियोटा एग, और ये वो वर्टिब्रेट जो विदाउट होते हैं एमनियोन तो उसको हम कहते हैं फिशेज एंड एम्फीबियंस, और ये होते हैं एन एमनियोट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, क्योंकि एम्फीबियंस और फिशेज एमनियोट्स नहीं होते। एमसीक्यू नंबर 12 है, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू हर फीटस इज? सो ये होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमें फीवर वगैरह हुआ और कोई भी मेडिसिन लिए बगैर हम ठीक हो गए, तो हमारी इम्यूनिटी ने हमें ठीक कर दिया। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो मदर टू हर फीटस जाती है एंटीबॉडीज। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, तो वो कोरोना में जैसे कोरोना में वैक्सीन ली थी पहले ही इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी थी। और अगर बात की जाए आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की, तो वो फिर होता है जैसे डॉग बाइट हो जाता है ना, तो उसमें जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं एंटी सीरम, तो वो होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी।
एमसीक्यू नंबर 13 है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट, सो वो 37 सेल्सियस है, मोस्ट एंजाइम हाईली एक्टिव होते हैं जबकि 100 सेल्सियस पे वो बिल्कुल डीनेचर हो जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 14, इन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय स्पेशलाइज्ड बॉन्ड और लिंकेज कॉल्ड, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, सिंथेटिक लिंकेज और एसिड अमाइड लिंकेज दी हुई है। पेप्टाइड होती है जैसे कि प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं अमाइनो एसिड के बिटवीन बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, वो होते हैं पेप्टाइड लिंकेज, लेकिन यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज दी हुई नहीं है, यहाँ पे होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पेयर, क्योंकि कार्बो जैसे ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और एक होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन बॉन्ड, और वो होता है प्रोटीन में। तो जब भी अगर आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड ना दिया हुआ हो ना, तो फिर उसका आंसर होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि ये प्रोटीन में होता है सी एन मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन जो प्रोटीन में बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। Which of the following statement is true about involuntary breathing? So it is controlled by bronchioles, it is controlled by pulmonary arterioles, it is controlled by alveolar capillary network, and it is controlled by neurons located in the medulla and the pons. So yes, involuntary breathing control होती है medulla से, जो control होता है neurons से जो medulla pons में present होता है। Correct option यहाँ पे D है। MCQ नंबर 16 है और ये लास्ट MCQ है। टिपिकल लब डब साउंड कैन बी ऑडिबल ड्यूरिंग हार्ट बीट आर ड्यू टू, तो लब और डब साउंड होते हैं हार्ट के। लब साउंड जब होता है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होते हैं, और डब साउंड वो होता है जब सेमिलर वाल्व्स क्लोज होते हैं। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड कस्पिड वाल्व्स फॉलोड बाय सेमिलर वाल्व्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। सर, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस MCQ सो लेट मी नो। Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.